ताकत हथियार में होती है या हाथों में? उपकरण ज्यादा शक्तिशाली होते हैं या इंसान? जिस गर्जना को सुनकर कांप उठता है दुश्मन, थर्रा जाती है धरती, जिनकी कूच के साथ ही दुश्मन की हार की कहानी लिख दी जाती है उन मजबूत हथियारों को संभालने वाले मजबूत कंधों की गाथा। आर्मर्ड कोर हर युद्ध का आगाज करती है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ मैंने शुरू किया, तो जब वो फीलिंग अंदर आती है तो रोंगटे खड़े करने वाली फीलिंग होती है। आर्मर्ड कोर एक एलीट आर्म है, फाइटिंग आर्म है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करती है। कि एक मशीन है जो कि तब तक ही काम कर सकती है जितना परांगत उसको चलाने वाला है। मशीन में जब 125 mm की आप गन देखते हैं और बाकी गनों के मुकाबले 125 mm की गन हमेशा ज्यादा अच्छी लगती है। आर्मर्ड कोर के जोधा को उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना कि उसका टैंक। जिस टाइम पे टैंक चलता है उसकी जो आवाज़ थी मन को रोमांचित कर देती थी। भारतीय सेना अपने नाम, नमक और निशान के लिए अपनी जान देती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सिर्फ शौर्य नहीं है ये दबदबा है, सिर्फ हिम्मत नहीं है ये रुतबा है। आज हम आपको भारतीय सेना के आर्मर्ड कोर से मिलवाएंगे। आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहते हैं तो आर्मर्ड कोर वो भाग होता है, वो हिस्सा होता है जो इन भारी भरकम टैंकों को ऑपरेट करता है और ये निर्धारित करता है कि दुश्मन के दिल में हमें लेकर, हिंदुस्तान को लेकर कितनी दहशत रहती है, किस तरह से इन टैंकों की गर्जना सुनकर ही दुश्मन थर्रा जाता है। इतिहास में किस तरह की रही है इनकी लड़ाइयाँ, वर्तमान में क्या है इनकी भूमिका। एक तो होता है कि राजपथ पर आप इन टैंकों को चलते देखते हैं, गर्व महसूस करते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि ये असली जिंदगी में आपकी हिफाजत कैसे करते हैं, कड़ाके की ठंड हो या फिर भयंकर गर्मी। केवल शिकस्त नहीं, सर्वनाश। केवल दुश्मन की पराजय नहीं, दहशत। केवल जीत नहीं, दबदबा। जब ये योद्धा रणभूमि में आ जाते हैं तो युद्ध की परिभाषा बदल देते हैं। दुश्मन के अंदर जो डिफीट और विक्ट्री के बीच का जो अंतर है वो फासला ये टैंक्स, मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, ये करते हैं। हम जब लड़ाई में जाते हैं तो उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं होती है, टेम्पो बिल्डअप करके रखना पड़ता है, उसमें कोई स्लो नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि हमारे जो जवान हैं और हमारे ऑफिसर्स हैं, इनको ना केवल शारीरिक शक्ति चाहिए, एक मानसिक शक्ति भी चाहिए होती है। अपना दमखम दिखाकर दुश्मन को खौफ से ही हराकर युद्ध टालना हो, कांटेदार तारों या मुश्किल जमीन को लांघना हो, या फिर एक ही वार में करना हो निर्णायक प्रहार, भारतीय सेना का आर्मर्ड कोर इकलौता जवाब है। हमारा काम दुश्मन को बर्बाद करना नहीं है। आर्मर्ड कोर एक ऐसा फोर्स है जो दुश्मन को हराने में काम रखता है। वी आर नॉट हियर टू डिस्ट्रॉय, वी आर हियर टू डिफीट द एनिमी, ब्रेक द विल ऑफ द एनिमी टू फाइट एंड डिफीट द एनिमी, दैट इज आवर मोटो। तेज रफ्तार से दौड़ते इन भारी भरकम टैंकों को देखिए, सटीक निशाने पर एक के बाद एक बरसते इन गोलों को देखिए, हवा में मार की इनकी काबिलियत को देखिए। एक नजर आग बरसाती साक्षात मौत को देखिए। टैंकों का अलग ही रुतबा होता है, लोहे के इन योद्धाओं की ताकत ही अलग होती है।
ये जब रणभूमि में दौड़ते हैं तो केवल धरती नहीं हिलती, दुश्मनों के दिल हिल जाते हैं। हथियारों में ये महाबली हैं, ये भारतीय सेना के बाहुबली हैं। रोबीले घुड़सवार दस्तों से इस कोर की शुरुआत हुई 1773 में, टैंक रेजिमेंट्स में तब्दील होना शुरू हुए 1938 से, लेकिन इनकी अहमियत कभी कम नहीं रही। जब देश का बंटवारा हुआ तो सेनाओं का भी बंटवारा हुआ, भारत के हिस्से दो तिहाई उपकरण आए, पर ये कोर अपने उपकरणों से हमेशा एक कदम आगे रही। इंडियन आर्मर्ड कोर का अगर आप पुरानी हिस्ट्री लेके चलें तो पहले सिल्लादार सिस्टम था, जहाँ पे पहले घोड़ों से काम किया जाता था। धीरे धीरे हम टैंक्स को इंडक्ट किया एंड फाइनली आज हमारे पास मेन बैटल टैंक MBT अर्जुन, T-72 और T-90 जैसे टैंक्स हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जहाँ भी जिस भी युद्ध में हमारी जीत हमारी विक्ट्री देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आदमियों की कैपेबिलिटी के कारण, उनकी अच्छी ट्रेनिंग के कारण। मैन मशीन इंटरफेस, वाइल मशीन ज़रूरी है बट उसको ऑपरेट करने वाला जो इंडिविजुअल है, जब तक वो अच्छे से ट्रेन नहीं होगा और प्रेशर सिचुएशन में, बैटलफील्ड सिचुएशन में उसकी बेहतरीन एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा, तो हम उस रिजल्ट का उम्मीद नहीं कर सकते। आज आर्मर्ड कोर में 63 रेजिमेंट हैं और सभी समृद्ध इतिहास और सशक्त वर्तमान की मिसाल। इन धमाकों के बीच जब आप होते हैं, सामने होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, तो आप थर्रा उठते हैं। आप समझिए युद्ध क्षेत्र में किस तरह की परिस्थितियां रहती होंगी। दोनों तरफ से भारी गोले एक दूसरे के ऊपर साथ साथ कर दागे जाते हैं। निशाना कितना सटीक है आपका, कितना आप सही फैसला उस समय पर ले पाते हैं, एक भारी टैंक को चलाते हुए, उन सारी चीजों को देखते हुए, अपने लक्ष्य को साधते हुए ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। टैंक चलाने वालों से भी हम आपका परिचय कराएंगे। पहले भारत के टैंकों से आपका परिचय कराते हैं। मुख्य तौर पर भारतीय सेना 3 MBT यानी मेन बैटल टैंक का प्रयोग करती है, MBT अर्जुन, T-90 यानी भीष्म और T-72 अजय, जिसकी नजरों में हिंदुस्तान के लिए खोट हो वो देख ले देश के इन रक्षकों को, क्योंकि अगर इन्होंने देख लिया तो फिर कुछ करने या सोचने तक का वक्त नहीं मिलेगा, अंत निश्चित है। न पानी में, न जमीन पर, न आसमान में दुश्मन चाहे जो हो, जैसा हो, वो इसके निशाने से बच नहीं सकता। इसका कवच अभेद्य है, निशाना अचूक। T-90 जो रशियन इक्विपमेंट है, जो रूस से हमको मिला था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, जो अभी हमारे आवाडी में हैवी व्हीकल फैक्ट्री में बनता है, वो हमारे पास सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट है और इस क्षेत्र में, हमारे जहां लड़ाई का क्षेत्र है, उसमें सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट है। ये जमीन पर पानी की तरह तैरता है, पानी में जमीन की तरह दौड़ता है, रास्ते ऊंचे हों या नीचे हों, ये हर जगह दुश्मन को घुस कर मारता है। रात के अंधेरे हों या घना कोहरा, उसकी आंखें सरहद के दुश्मनों पर लगी रहती हैं। दुश्मन की एक हलचल और वो उसे पहुंचा देता है यमलोक। भारतीय थल सेना की शान के प्रतीक ये टैंक्स हिंदुस्तान की वो ताकत हैं, जो जलजला बनकर जंग के मैदान में उतरते हैं और दुश्मन को जमींदोज कर देते हैं। ये T-90 टैंक है जिसमें हम इस समय सवार हैं। कहा तो इसे T-90 जाता है, लेकिन भारत में इसका नाम है भीष्म। एक और टैंक है हमारे पास जिसका नाम है अर्जुन, विजयंत। दरअसल इतिहास के जो हमारे महापुरुष रहे हैं, इतिहास के जो हमारे योद्धा रहे हैं, उनसे जुड़ते हैं हमारे टैंकों के नाम। टैंक एक योद्धा है हमारे लिए बैटल में, तो इस करके जो हमारे टैंक हैं, जैसे जो T-90 अर्जुन और T-72, इनको हमने हमारे इतिहास के बड़े बड़े योद्धाओं के इनके नाम जो है उनके ऊपर हैं। जैसे कि हम T-90 को भीष्म के नाम से जानते हैं,
अर्जुन का तो नाम ही एक हमारे पार्थ के नाम से है, और जो T-72 है उसका नाम अजय है। साथ ही साथ हमारा जो BMP-2 जो आपने फायर पार्ट ये एक्सरसाइज कवच प्रहार में देखा होगा, तो उसका नाम सारथ है, जो कि मेरे ख्याल से चैरिट ऑफ विक्ट्री माना जाता है। रेतीले मैदान हो, नदी हो या फिर ऊबड़ खाबड़ जमीन, भारतीय टैंक बिना रुके बिना फंसे हर सूरत में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखते हैं। और यही कारण है कि आज दुनिया भारतीय टैंकों की ताकत को पहचानती है। आर्मर कोर में सैनिक उतना ही मजबूत होता है जितना ही उसका टैंक मजबूत होता है, क्योंकि आप एक 41.5 टन के टैंक को क्या बाहर आपकी गंदों के ऊपर है। एक टैंक मैन होने के नाते एक सबसे आर्मी के अंदर सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर हथियार हमारे पास, इसका हमारे बहुत बहुत गर्व है। दुश्मन अगर भूल गया हो तो आइए उसे फिर याद दिला दें कि जब भी वो नापाक नजर हिंदुस्तान की तरफ उठाने के बारे में सोचे या इरादा करे तो एक बार भारतीय सेना की इन अद्भुत सुरक्षा कवच और यमदूतों के बारे में सोच जरूर ले। धरती पर धड़धड़ाते भारतीय टैंकों ने जब भी मैदान की तरफ कूच किया, दुश्मन मैदान से ही नहीं दुनिया से कूच कर गया। ऐसी ही जंगों का गवाह है हमारी सेना का अभिन्न अंग T-72 अजय। T-72 अजय Mark 1 रूस के T-72 M1 का भारतीय वर्जन। ये एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA से लैस है। इसे ऐसे समझिए कि ये टैंकों का कवच है, अगर दुश्मन आक्रमण करे तो टैंक के भीतरी हिस्से को नुकसान ना हो। इसमें 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर लगे हैं। इस तस्वीर के जरिए देखिए कि अगर मैदान जंग में टैंक को अपनी पोजीशन बदलनी हो तो धुएं के इस गुबार के पीछे वो कैसे ओझल हो सकता है। T-72 अजय में एक 125 mm स्मूथबोर टैंक गन लगा है, एक 7.62 mm कैलिबर PKT मशीन गन है जिसमें 250 राउंड इस्तेमाल को तैयार एम्यूनिशन है, और कमांडर के सामने 12.7 mm कैलिबर NSB मशीन गन है। विजय या वीरगति के आह्वान के साथ इस तरीके से आप देखिए कि टैंक यहां पर गरज पड़े हैं। जोजिला पास की ऊंचाइयों से लेकर रेगिस्तानी रेतीली जमीन तक ये टैंक कितने कारगर रहे हैं, ये भारतीय सेना ने युद्ध दर युद्ध अपने आप को साबित करके दिखाया है। यहाँ पर इस पूरी परिस्थिति को आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर टैंक लगे हुए हैं और उन्हें एक तरह से आसमानी सपोर्ट वहां से दिया जा रहा है। और यह आसमान से लेकर जमीन तक की जो लड़ाई है जिसमें सभी सेना के अंगों को एक साथ मिलकर युद्ध लड़ना है, एक साथ मिलकर दुश्मन को शिकस्त देनी है। आइए एक नजर डाल लेते हैं भारतीय सेना के मेन बैटल टैंक का गौरव प्राप्त करने वाले अर्जुन Mark 2 की खूबियों पर। पूरी तरह भारत में बनाया गया अर्जुन Mark 2 टैंक जंगी इतिहास के नए दौर की कहानी सुनाता है। अर्जुन Mark 2 लेजर रेंज फाइंडर, कंप्यूटराइज्ड फायर सिस्टम और आग लगने की स्थिति में उसे डिटेक्ट करके खत्म करने की प्रणाली से लैस है। अर्जुन रात में भी कारगर है और इसकी बड़ी खूबियों में शुमार है अत्याधुनिक GPS नेविगेशन सिस्टम जो अर्जुन को लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने में मदद करता है। अर्जुन 60 टन का होने के बावजूद 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है और 500 किलोमीटर तक दोबारा ईंधन की इसे जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान और चाइना, इनके टैंकों के खिलाफ ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता है और बाकी कई और देशों के बनाए हुए टैंकों को भी ये बर्बाद करने में बड़ा कारगर साबित हो सकता है। और इसको बड़ी रिसेंटली टेस्ट किया गया, काफ़ी रिपीटेड टेस्ट हुए इसके और इसको काफ़ी इसके ऊपर आर्मी ने भी बहुत सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस की। इसकी चाल दुश्मनों के सीने पर खौफ की शक्ल में सरपट भागती। इसका निशाना भीष्म प्रतिज्ञा की तरह अडिग होता है। रूस ने इसे T-90 नाम दिया था लेकिन हिंदुस्तान गर्व से इसे भीष्म कहता है।
मौजूदा दौर में भीष्म भारतीय सेना का सबसे विशालतम टैंक है। भीष्म को न परमाणु हथियार नुकसान पहुंचा सकता है न जैविक हथियार, लेकिन इसकी जद में जो आएगा उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस टैंक की ताकत इसकी 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है। इस गन से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागे जा सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक लोडर है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी। समय के साथ नाम बदला, समय के साथ पहचान बदली, समय के साथ औजार बदले, घोड़ों की जगह टैंकों ने ली, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो ये कि जो सबसे बड़ी ताकत सेना के साथ जुड़ी रहती थी, जो आक्रमण का अंदाज जुड़ा रहता था, वो नहीं बदला। और एक और बात नहीं बदली, क्योंकि शुरुआत से भले ही अलग अलग रेजिमेंट्स के लिए कुछ पैमाने रहते थे, लेकिन यहां समूचे देश से सैनिक आते हैं, एक साथ आकर यहां एक सार हो जाते हैं। कहते हैं टैंकमैन को पायलट जैसा स्किल, इंजीनियर जैसी तकनीकी क्षमता और इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक जितनी शक्ति होनी चाहिए। इन सब के मिश्रण से ही बनते हैं वो योद्धा जो इस भारी भरकम जिम्मेदारी को संभाल पाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता जाता है, और इनका लाइफ 2 या 3 साल है, हर 3 साल 4 साल पे आप देखेंगे कि आप नई टेक्नोलॉजी आ जाती है मैकेनाइज्ड फोर्सेस में, तो इसलिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे जो हमारे रिक्रूट से लेके और ऑफिसर्स तक जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं वो इस टेक्नोलॉजी को, इसकी जानकारी रखें और उसके ऊपर लगातार तरक्की करते रहें। इनकी ट्रेनिंग 3 स्तर पर होती है, बेसिक ट्रेनिंग, तकनीकी ट्रेनिंग और रणनीति की ट्रेनिंग। आइए आपको इन योद्धाओं की ट्रेनिंग दिखाते हैं, ताकि हम याद रख सकें कि हमारे लिए जश्न के मौके देने वाले इन वीर सपूतों को किन किन हालात से गुजरना पड़ता है। जो ट्रेनिंग करिकुलम हमने इनके लिए बनाया है उसमें कई सारी की क्लासेज हैं, वेपन ट्रेनिंग की क्लासेज हैं, एजुकेशन की क्लासेज हैं, पीटी की क्लासेज होती हैं और भी तरह के कंप्यूटर क्लासेज होती हैं। तो हर रिक्रूट अपनी अपनी क्लास के तहत अपनी अपनी क्लास में जाता है और दोपहर तक क्लासेस करता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण परेड पूरे दिन की होती है, एक सिविलियन को कैसे फौजी दस्तूर में बंधना है एक दूसरे के साथ, वो होती गेम परेड, जिसमें से कि एक रिक्रूट टीम स्पिरिट की भावना क्या होती है, ब्रदरहुड क्या होता है, उसके बारे में जानता है। तो और उसी समय हम वीक इन पीटी, जो कुछ एक रिक्रूट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं पीटी में, हम उनकी वीक इन पर पीटी कराते हैं। इसके बाद रिक्रूट अपने पर्सनल मेंटेनेंस के लिए छोड़ा जाता है। रात में रिक्रूट को एक साथ इकट्ठा कर उनको अगले दिन की दिनचर्या बताई जाती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। और इस पूरे 24 घंटे की अथक परिश्रम वाली दिनचर्या के बाद रिक्रूट इतना थक चुका होता है कि उसको आराम की जरूरत होती है। इसके बाद रिक्रूट अपनी अपनी लाइन में जाकर आराम करते हैं, ताकि वो नेक्स्ट डे के कठिन परिश्रम के लिए अपने आप को रेडी कर सके। रात के चौथे पहर जब नींद सबसे अच्छी आती है, तब देश के कोने कोने से आए ये रिक्रूट परेड ग्राउंड की तरफ चल देते हैं और शुरू हो जाता है शरीर को स्टील बनाने का सिलसिला। आमतौर पर एक सैनिक को 19 हफ्तों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन आर्मर्ड कोर की ट्रेनिंग इससे 3 गुना ज्यादा लंबे समय तक चलती है। इस ट्रेनिंग को सेना की सबसे लंबी ट्रेनिंग भी माना जाता है। फिजिकल टेस्ट के अंदर उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वो अपना टेस्ट पास कर पाता है। जब तक वो टेस्ट पास नहीं करता, उसकी आगे की ट्रेनिंग नहीं चलती है। इसी प्रकार से वेपन ट्रेनिंग के अंदर जब वो आता है, उसको सबसे पहले हम वेपन हैंडलिंग सिखाते हैं, उसके बाद उसको सिमुलेटर के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाती है। सिमुलेटर के ऊपर जब वो ट्रेंड हो जाता है, उसके बाद हम उसको ओपन रेंज के ऊपर ले जा करके लाइव एमिनेशन के साथ उसका फायर कराते हैं। जब जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूती का इम्तिहान पास हो जाता है, तब बारी आती है लोहे के अपने फौलादी साथी से मिलने की, यानी टैंक की बारीकियों से रूबरू होने का वक्त। हर सिपाही को टैंक की हर बारीकी जानना अनिवार्य होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जंग के मैदान में कब किसको क्या जरूरत पड़ जाए। हालांकि सैनिकों का विभाजन उनके ट्रेड के हिसाब से गनर, ड्राइवर या फिर ऑपरेटर के तौर पर किया जाता है, लेकिन हर किसी को इनमें से कम 2 काम करने की ट्रेनिंग जरूरी है। इसी के तहत भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारी ट्रेनिंग जो है, जो हमारी सिखलाई होती है, उसमें हम लोग सिखाते हैं कि आपको किस हालात में कैसे टेरेन में कैसे टैंक चलाना है। तो वही सिखलाई है जो हम लोग आगे चल के
या एक्सरसाइज में या लड़ाई में यूज करते हैं। हर सोल्जर जो आर्मर्ड कोर का है, हर एक सोल्जर होता है, उनको पता होता है कि किस तरह से एक गाड़ी को ड्राइव करना है। सो उनकी ट्रेनिंग हम यहाँ पर दी जाती है, उनके पार्ट्स के बारे में, उन सब के बारे में उनको सिखाया जाता है। टैंक में सवार होने के बाद जवानों की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि तब कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता, सिर्फ संचार माध्यम के जरिए कम्युनिकेशन होता है। जरा सोचिए, जब एक टैंक जंग के मैदान में होता होगा तो पल पल बदलती रणनीति कैसे बनाई जाती होगी, क्योंकि तब टैंक में सवार जवानों को दुश्मन की हर चाल से लेकर टैंक के अंदर के तापमान तक से लड़ना होता है। गर्मी में जैसे आपको पता है कि हम लोग मोस्टली एक्सरसाइज हमारा एरिया है वो है राजस्थान में पोखरण, महाजन और जैसलमेर है, जहाँ पे जो नॉर्मल समर्स का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री प्लस रहता है। और जब इक्विपमेंट पे हम लोग होते हैं तो आप उसको मान के चलिए कि अंदर जो क्रू बैठा है उसको 5 से 7 डिग्री ज़्यादा ही गर्मी महसूस होती है, क्योंकि पूरा लोहा है। तो आप लगा सकते हैं कि वो जो नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पे चल रहा है उससे ज़्यादा ही होगा, 5-6 डिग्री ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। इतिहास गवाह है भारतीय विजय गाथा के उन लम्हों का, जिनमें टैंकों ने फतेह के झंडे बुलंद किए और दुश्मनों को करारी शिकस्त दी। लोकतंत्र के महाजश्न में जब इन भारतीय टैंकों की गड़गड़ाहट के सुर मिल जाते हैं तो महापर्व की ये बेला नाज करने लगती है अपने सपूतों पर। राजपथ का सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता है। वीरता के गीतों में और जोश आ जाता है और हर सिपाही का हर कदम कहता है, सुन ले दुश्मन ध्यान से। दो देशों के बीच जो टकराव की स्थिति होती है उसमें तनाव का असली अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि इनका इस्तेमाल शुरू हुआ है या नहीं। यानी अगर सरहदों पर टैंकों की तैनाती हो जाए तो समझ लीजिए कि जो तनाव की स्थिति है वो शायद युद्ध में तब्दील हो रही है। ये हमारा आखिरी हथियार होते हैं। वैसे भी कहा जाता है ना कि जब भी कूच की जाती है, चढ़ाई की जाती है, तो ये भारी भरकम टैंक आगे बढ़ते हैं, धूल उड़ाते हुए, दिलों को दहलाते हुए। दरअसल भारत की खासियत ये है, भारतीय सैनिकों की खासियत ये है कि ये कभी अपने उपकरणों पर अति निर्भर नहीं होते हैं। इन्हें मालूम है कि जिन टैंकों की सवारी ये कर रहे हैं, जिन्हें हथियार बनाकर ये आगे बढ़ रहे हैं, इनका हौसला, इनकी शक्ति उतनी ही होनी चाहिए, इन्हें भी इनके टैंकों जितना ही मजबूत होना चाहिए। सात दशकों में जंग के अंदाज बदले, भारतीय सेना के जंगबाज बदले और बदल दिए दुश्मन देशों के भूगोल। हर जाबाज जैसे खुद इन टैंकों का गोला बन गया और दुश्मन को मिटा डाला, जिसकी गवाही आर्मर्ड फोर्स के नाम दर्ज 2 परमवीर चक्र और 15 महावीर चक्र देते हैं। आर्मर कोर का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे परमवीर चक्र अरुण खेतरपाल जी ने बहुत छोटी उम्र में ले लिया था, उसको उससे प्रेरित होते और हमारे जो भी पूर्वजनों ने जितनी इतनी शहीदियाँ दी, और हमारे ड्रिल ग्राउंड में एक बार मोरियल है जिसको देखते हुए हमारे को इतना जोश आता रहता है भी हम हमेशा जो भी एक रूट को सोल्जर बना रहे हैं कि उसको आगे वाले समय में लड़ाई के दौरान कहीं सख्त से सख्त उसकी मेहनत करवाते हैं भी, उसको अपना पसीना बचाते हुए उसका इतना पसीना निकलाते हैं भी उसकी खून की बहाने की जरूरत ना पड़े। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर का पराक्रम 1965 की बात है और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की वीरता की कहानी 1971 की। लेकिन पहले हम आपको आजादी के बाद की पहली लड़ाई में टैंकों के पराक्रम की एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं।
जब पाकिस्तान को सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण जोजिला पास से खदेड़ने के लिए भारत ने एक नामुमकिन कारनामा किया था। जोजिला का ये इलाका 11,575 फीट की ऊंचाई पर है और भारत के पास चुनौती थी उस ऊंचाई पर टैंकों को ले जाने की। टैंक खुले में जा नहीं सकते थे क्योंकि दुश्मन उन्हें नष्ट कर देता। टैंक और जोजिला जैसी ऊंचाई पर जहां बर्फ है, उन्होंने कहा बिल्कुल, इंजीनियर से कहा कि बालताल से रास्ता बनाओ और बालताल से जब जो पुल कमजोर थे उनको मजबूत किया गया। बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी, उसके बाद में क्या होता है कि जोजिला पास जो अगले 6 महीने तक वो बंद हो जाता है, तो हम वो चांस नहीं ले सकते थे। अगर वो बंद हो जाता तो ले भी दुश्मन के पास, उस पर दुश्मन कब्जा कर लेता। इसलिए चाहे बर्फ पड़ रही थी या ठंड थी या परेशानी थी, लेकिन फिर भी ये डिसाइड किया गया कि ये टैंक वहाँ ले जाए जाएंगे और दुश्मन पे हमला किया जाएगा। तो 30 नवंबर 1948 को बर्फ पड़ रही थी, उस टाइम सुबह 10 बजे के आसपास सब वेट कर रहे थे कि बर्फ रुके तो हम ऑपरेशन लॉन्च करें, और जब बर्फ नहीं रुकी तो फिर भी जनरल, सब जनरल थिमैया की तरफ देख रहे थे, वो डिप कमांडर थे। उन्होंने कहा नहीं, वी विल अटैक। इसीलिए सूझबूझ से टैंकों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। तोप लगे ऊपरी हिस्से यानी टरट को अलग करके गाड़ियों में लादा गया। बख्तरबंद गाड़ियों को दिन के समय झाड़ियों में छिपा दिया जाता और रात के अंधेरे में इन्हें आगे बढ़ाया जाता। इतनी ऊंचाई पर टैंकों को आता देख दुश्मन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सफेद बर्फ को चीर कर आगे बढ़ते हुए टैंक में दुश्मन को साक्षात यमराज नजर आ रहा था। मशीन गन की गोलियां बख्तरबंद से टकरा टकरा कर गिर रही थी। कोई भी देख सकता है, उसकी आवाज जो है इतनी दूर तक जाती है। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि ये अखनूर में थी, 7 कैवलरी जिसके टैंक ले जाए गए वहां पे, उनको वहां पे एक ब्रावो स्क्वाडन जो उनका था उसको वहां डिसमेंटल किया गया टैंक्स को, उसका टेरेट उतार दिया, उसकी गन उतार दी और उनको गाड़ियों में 3 टन के अंदर डाल के और तरपाल से ढक के फिर उनको वहां पे लाए नीचे सोनमर्ग में। वहां उनको असेंबल किया गया सोनमर्ग में और फिर इनको जोजिला की तरफ ले जाया गया। विश्व इतिहास में आज तक इतनी ऊंचाई पर टैंकों का इस्तेमाल किसी भी युद्ध में नहीं हुआ था। दुनिया हैरान थी, पाकिस्तान परेशान था। भारतीय फौज ने सिर्फ दुश्मन को शिकस्त नहीं दी थी, उसने तो हालात को मात दी थी। इस शौर्य को संजोकर आने वाली पीढ़ियों के सुपुर्द किया जाता है, जैसे 1965 के युद्ध की याद में पाकिस्तान के पराजित पैटन टैंक। पहली बारी पाकिस्तानी जवानों ने टैंक वहां पर देखे तो वो भौचक्के रह गए। उन्होंने ऊपर रिपोर्ट दी साहब कि भारतवर्ष के टैंक जो है वो जोजिला पास पे चढ़ रहे हैं। तो वहां से जवाब आया, क्या तुमने पी रखी है, क्या तुमने दारू पी रखी है, क्या इतनी ऊंचाई पे टैंक आ सकते हैं, असंभव, क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोग दारू पी के बैठे हो वहां पे, शराब पी के बैठे, नशे में धुत बैठे हुए हो आप लोग। तो इतने मतलब वो हैरान हुए। बमबारी से पहले ही उनके मोर्चे जो टूट टाट काफी चरमरा गए थे और जैसे ही हमारे टैंक गड़गड़ाते हुए वहां पहुंचे वो पाकिस्तान की फौज वहां से भाग ली। आर्मड कोर के पास 2 परमवीर चक्र समेत तमाम वीरता के पुरस्कार हैं और इसी में कहानी जुड़ी है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। एक ऐसा योद्धा जिनकी ट्रेनिंग पूरी भी नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने जिद ठान ली थी कि वो युद्ध के मैदान में जाना चाहते हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं वहां जाकर, और वो जिद करके लड़ाई के मैदान में पहुंचे, दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया। जून 1971 में जब अरुण खेतरपाल पूना हॉर्स में कमीशन हुए तब तक भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहट आने लगी थी। युद्ध छिड़ने के साथ ही दिसंबर में पूना हॉर्स को रणभूमि में जाने के आदेश दे दिए गए। उस समय तक अरुण खेत्रपाल की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी पर वो किसी भी कीमत पर मोर्चे पे जाना चाहते थे। When Arun was ushered in into my office, I looked up.
जब अरुण मेरे ऑफिस आया तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोला, वो बस रो रहा था, वो खामोश खड़ा रहा। आंखों में आंसू जल जला गए। भारतीय सेना के सबसे करिश्माई अफसरों में शामिल लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह तब अरुण खेतरपाल के कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे। उन्होंने एक मिनी कोर्स की व्यवस्था करवाई और कोर्स के आखिर में खुद उन्हें परखने के बाद ही रणभूमि में जाने की इजाजत दी। इस लड़ाई को बैटल ऑफ बसंतर कहा गया। बसंतर नदी पर ब्रिज से पाकिस्तानियों को हटाने के ऑपरेशन का जिम्मा कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अवतार अहलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल को सौंपा गया। पाकिस्तान के टैंक तेजी से बसंतर नदी पर बने ब्रिज की ओर बढ़ रहे थे, पर आक्रमण का इंतजार करते हुए कमांडिंग ऑफिसर को एक बुरी खबर मिली। कैप्टन मल्होत्रा के टैंक की गन खराब हो गई थी और वो उसे ठीक करने के लिए पीछे हटना चाहते थे। I said no. There was a reason for this. मैंने इनकार कर दिया, ये युद्ध था। अगर एक टैंक पीछे हटता तो सबको लगता हम डर कर भाग रहे हैं। कमांडिंग ऑफिसर ने सभी टैंकों को संदेश जारी किया और कहा कि जो जहां खड़ा है वहीं से लड़ेगा, एक इंच भी पीछे हटने की इजाजत नहीं। अरुण खेतरपाल ने भी यह संदेश सुना। पाकिस्तान का हमला शुरू हो गया। यह अब तक की सबसे भीषण बमबारी थी। लेफ्टिनेंट अवतार अहलावत घायल हो गए। कैप्टन मल्होत्रा की बंदूक पहले से खराब थी। अब मोर्चे पर अकेले थे सेकंड लेफ्टिनेंट खेतरपाल और उनकी ओर तेजी से बढ़ते हुए दुश्मन के तीन टैंक। चार पाकिस्तानी टैंक और फिर खाली अरुण का एक टैंक बचा था। तो इस बीच में अरुण के टैंक में गोला लगा था और उस गोले से मतलब टैंक में आग लग गई थी। उनकी टैंक पर भी निशाना लगा और टैंक ने आग पकड़ ली। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के ड्राइवर ने उनसे कहा कि क्यों ना पीछे जाकर आग बुझा लें और फिर मोर्चे पर लौटें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वही गोला सामने मेरा कमांडर लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी जिनके दोनों पांव के बीच में लगा, दोनों पांव कट गई और वो चमड़ी से लिपट गए सीट के साथ। मैं बोला कि टैंक को पीछे ले ले इस जगह से, लेकिन सीओ साहब ने बोला कि आप ये लड़ते रहो जब तक आपकी गन और टैंक काम करता हो। तो उन्होंने बोला मैं यहाँ से हटूंगा नहीं और पाकिस्तान के साथ बुरी तरह चिपटा रहूंगा जब तक मेरी जान है। उनके साथियों ने भी उन्हें टैंक छोड़कर लौट आने को कहा, पर वो जानते थे कि दुश्मन हार की कगार पर है। ऐसे में पीछे हटने का मतलब होगा पूरी लड़ाई का बेकार हो जाना। तुम्हारे टैंक पर गोला लगा है, उसे छोड़कर बाहर निकल जाओ, लौट आओ। ओवर। नहीं सर, मेरी बंदूक अभी भी चल रही है, मुझे उन्हें रोकना ही होगा। ओवर। तुम्हारे सिद्ध के खतरे में है। ओवर। जब तक मेरी बंदूक चल रही है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओवर एंड आउट। पाकिस्तानी अटैक ऑलमोस्ट हमारी लाइन तक आ चुका था। उस टाइम इन्होंने देखा कि अगर अभी हमने मुड़ के इनसे लड़ाई नहीं की तो ये हमारी लाइन को ब्रेक कर देंगे। उसी टाइम खेतरपाल साहब ने आओ देखा न पाओ अपनी टैंक को टर्न किया, अपने ट्रूप को सामने लगाया और फायरिंग शुरू कर दी। घायल होने के बावजूद खेतरपाल अपनी धधकते टैंक से गोलियां बरसाते रहे। उन्होंने आगे बढ़ते दो टैंकों को नष्ट कर दिया, पर तीसरा टैंक 100 मीटर के दायरे में आ चुका था। This tank belonged to the squadron commander Major Nisar. ये टैंक पाकिस्तानी कमांडर नासिर का था। वो अरुण के सामने टैंक ले आया और दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। नासिर को अपना टैंक छोड़कर भागना पड़ा। वो और उसके साथी ने टैंक के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। And he evacuated.
पाकिस्तानी अफसर ने अरुण खेत्रपाल पर सीधा निशाना साधा और गोली दाग दी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने भी जवाबी आक्रमण किया, पर अब तक वो और उनके ऑपरेटर बुरी तरह घायल हो चुके थे। लेकिन उन्होंने इतना तय कर लिया था कि अंतिम पाकिस्तानी टैंक भी आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे उनकी टैंक हिट हुई, एकदम से उनके अटैक का हॉल्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने अटैक का मोमेंटम बिल्कुल रोक दिया और धीरे धीरे विड्रॉल शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसके रोकने के टाइम सबसे ज्यादा टैंक उस टाइम हिट हुई उनकी, क्योंकि वो स्टैटिक हुए, हमारे गनर्स तो लगे हुए थे और वो धीरे धीरे जब विड्रॉ कर रहे थे उस टाइम हम इनको मार रहे थे। पाकिस्तान का हमला निरस्त होते ही ड्राइवर और गनर ने टैंक की आग बुझाई, फिर देखा तो ऑपरेटर की मृत्यु हो चुकी थी। तभी अरुण खेत्रपाल ने उन्हें आवाज दी, The companions who had been hit, just then they assumed that they were... उनको लगा कि वो मर गए हैं। तभी अरुण बोला, He said, Proud Singh, हम जीवित हैं, हमें पानी पिलाओ। उनको लगा कि सर्दी में पानी शायद अरुण बर्दाश्त न कर पाए, अरुण को जल्दी से चाय पिलाई। भारतीय सेना में जब एक रिक्रूट अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है तो उसे एक सिपाही का रैंक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आर्मर्ड कोर में जब एक रिक्रूट ट्रेनिंग पूरी करता है तो उसे कहा जाता है सवार। दरअसल ये इतिहास के साथ जुड़ जाता है, वो दौर जब घुड़सवार दस्ते हुआ करते थे, जब कैवलरी कहलाता था ये। और इसमें भी ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बदलू सिंह की, ये एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि विक्टोरिया क्रॉस इन्होंने विश्व युद्ध जो पहला हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में हासिल किया था, जिस दौर में यही सर्वश्रेष्ठ अवार्ड था जो किसी हिंदुस्तानी को दिया जाता था। घुड़सवार दस्तों के तौर पर भारतीय कैवलरी युद्ध क्षेत्र में सेना को रफ्तार की धार देती थी, लेकिन समय के साथ घोड़ों की जगह टैंकों ने ले ली। ।1938 में सिंधे हॉर्स वो पहला रेजिमेंट बना जो अपने घोड़ों को रिटायर करके टैंकों से लैस हुआ। ।1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो सेना का भी बंटवारा हुआ। भारतीय सेना के हिस्से केवल 12 आर्मर्ड रेजिमेंट आए। आज आर्मर्ड कोर में 63 टैंक रेजिमेंट हैं, लेकिन इतिहास को संजोते 2 घुड़सवार दस्ते भी हैं। जब आर्मर्ड कोर का जो जवान अपनी यूनिट में जाता है तो उसको हम सवार का रैंक देते हैं, ना कि एक सिपाही का जो बाकी इंडियन आर्मी के लिए लागू है। साथ ही साथ हमारे JCOs नायब रिसालदार, रिसालदार और रिसालदार मेजर कहलाते हैं। तो ये पूरा जो ये सिस्टम है, ये पुराने हमारे सिलादारी से और हमारे हॉर्स कैवलरी के ट्रेडिशन से बरकरार और चलता आ रहा है। एंड कहा जाता है कि सिलादारी सिस्टम में जो एक सवार भी था वो अपने आप को एक बाकियों से थोड़ा हटके मानता था, क्योंकि ही वॉज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा जाता था। वो अपना घोड़ा, अपने इक्विपमेंट मेंटेन करने के लिए उसको और पैसे मिलते थे, तो नेचुरली वो अपने आप को थोड़ा हटकर मानता था बाकियों से। तो वो एक बरकरार रखने के लिए हमने ये रैंक सिस्टम भी बनाया, ताकि वी मेंटेन दैट थोड़ा मैं कहूँगा दैट सेपरेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आर्मी। पहले इन रेजिमेंट से जुड़े सैनिकों को घुड़सवारी में सक्षम होना होता था, आज भारी गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण जरूरी है। लेकिन आज भी इन रेजिमेंट के जवानों को सिपाही नहीं बल्कि सवार कहा जाता है। घुड़सवार दस्ते अभी केवल देखा जाए तो 61 कैवलरी है जिनके पास अभी घुड़सवारी के दस्ते हैं, और प्रेसिडेंट्स बॉडी गार्ड है जो कि घुड़सवार हैं, परंतु अभी आर्मर्ड कोर अगर आप कवचित कोर को लेकर के चले तो सभी में टैंक्स ही। बदलते समय के साथ युद्ध लड़ने के तरीके भी बदलते गए, लेकिन दबदबा बनाते इन टैंकों और उनमें सवार होकर दुश्मनों को रौंदते जाबाजों का रुतबा नहीं बदला।
इतिहास गवाह रहा है कि जब भी बड़े युद्ध में इन टैंकों का प्रयोग भारत ने किया है, हर बार जीत हमारी ही हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो जज्बा है हमारे सैनिकों का, वैसा दुनिया में कहीं और नजर नहीं आता है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हितेश कुमार और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।